तो कृषि मंत्री यहां पर लगातार ये भरोसा जता रहे हैं कि बातचीत से रास्ता निकलेगा और कल ये छठे दौर की बातचीत होनी है। हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से अशोक सिंघल इस वक्त मौजूद हैं। अशोक, देखिए समय तो खत्म हो गया है, 11 से 3 बजे तक का ये भारत बंद था, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी है अब आगे? अशोक, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए स्ट्रेटेजी, सबसे बड़ी खबर मैं दे रहा हूं कि आज किसान नेता शाम को अमित शाह से उनके घर पे मिलने वाले हैं, 7 बजे मुलाकात होगी। खुद राकेश टिकैत उनसे मिलेंगे और अमित शाह ने उनको मिलने के लिए बुलाया है। और आपको मैं बता दूं कि कल मीटिंग होनी है सरकार के साथ, उससे पहले आज अमित शाह ने उनसे बातचीत का न्योता दिया है और किसान नेता यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनसे उनसे बातचीत में कुछ रास्ता निकलेगा। राकेश टिकैत मेरे साथ मौजूद है। राकेश जी, अमित शाह से आप मिलने जा रहे हैं, शाम को 7 बजे मीटिंग होगी, क्या एजेंडा रहेगा? देखो एजेंडे हमारे वही है, एजेंडे कोई चेंज नहीं हुई है और बात करेंगे हम सरकार से। क्या आपको लगता है कल बातचीत सरकार से होनी है, कल सुबह 11 बजे, उससे पहले अमित शाह का बुलाना कोई पॉजिटिव संकेत है? हाँ, ठीक संकेत लगे, कुछ रास्ता निकल पाएगा। हाँ, निकलेगा रास्ता। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जो हमारी तीन मांग की, तीनों कानून और MSP वाला मुद्दा है, उससे कम हम मानने को तैयार नहीं है, तो और उन्हें बता दो ना, जिनसे भी लड़ जाएंगे मैं बताऊंगा आगे की बात। आपको लगता है सरकार को रास्ता निकालेगी? हाँ, सरकार को रास्ता निकालना चाहिए, निकालना चाहिए सरकार को। उम्मीद है आज शाम की मीटिंग में? हम तो बिना उम्मीद के कहाँ जा, उम्मीद के भी तो जा। कौन कौन लोग जाने वाले हैं इसमें? इसमें कई लोग जाएंगे, इसमें 14-15 आदमी साथ जा रहे हैं। तो कृषि मंत्री भी रहने वाले हैं साथ मीटिंग? ये नहीं पता, लेकिन अमित शाह के घर पे मुलाकात होगी? हाँ, ये नहीं पता, घर पे है ऑफिस में, लेकिन मुलाकात होगी। देख सकते हैं कि अमित शाह से इनकी मुलाकात शाम को 7 बजे होनी है। करीब 14-15 लोग किसान नेता जाएंगे, कुछ सिंधु, अभी सिंघू बॉर्डर पे वो जा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पे एक मीटिंग होनी है, बाकी किसान नेताओं के साथ आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी उसके ऊपर बातचीत होगी और क्या क्या अमित शाह के सामने बातचीत रखनी है। तो लेकिन एक ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल की मीटिंग से पहले गृह मंत्री ने खुद इनको मिलने के लिए बुलाया, तो कुछ न कुछ रास्ता निकल सकता है, यही राकेश टिकैत का कहना है। बड़ी खबर दे रहे हैं अशोक आप यहां से कि अब आज शाम किसान नेताओं की अहम बैठक गृहमंत्री अमित शाह के साथ होनी है, लेकिन इस बैठक की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल जो छठे दौर की बातचीत होनी है और आज भारत बंद किसानों ने बुलाया, उससे पहले आज शाम ये बैठक हो रही है। अशोक, क्या इसके मायने समझे, क्योंकि कल तो बैठक है ही, अगर आज शाम एक बार फिर समय तय कर दिया गया है तो यकीनन ये एक प्रोएक्टिव तरीके से जो है रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए सरकार कई दौर की बातचीत कर चुकी है और सरकार भी कहती रही है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, पॉजिटिव माइंड से हम लोग को उम्मीद है, पॉजिटिव माइंड्स के साथ चल रहे हैं। उधर किसान भी इसी उम्मीद के साथ बातचीत कर रहा है कि कुछ ना कुछ सरकार बातचीत रास्ता निकालेगी, जो उनकी मांग है उनको एड्रेस करेगी। और आज खुद अमित शाह ने इनको बुलाया मिलने के लिए, जिसमें 14-15 प्रतिनिधि रहेंगे किसानों के, सिंघू बॉर्डर से कुछ लोग रहेंगे, गाजीपुर बॉर्डर से भी रहेंगे, खुद राकेश टिकैत उसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि इस मामले को जल्दी निपटाना चाहिए, क्योंकि चौतरफा दबाव जो पड़ा है उसको देखते हुए, और सरकार लगातार बातचीत भी कर रही है, खुद प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुला करके तमाम मंत्रियों के साथ उसमें भी चर्चा की जिस मुद्दे की, तो सरकार भी इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहती है, क्योंकि दिल्ली चारों तरफ से बंद है, इस वक्त दिक्कत आ रही है काफी आम आदमी को भी, व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए उसको देखते हुए और किसानों की समस्याओं को देखते हुए, तो सरकार लगातार ये एफर्ट्स कर रही है कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी रिजोल्व किया जाए। और इसी कड़ी में आज खुद अमित शाह ने कल जो बातचीत होनी थी कृषि मंत्री पीयूष गोयल रेल मंत्री के साथ किसानों की, उससे पहले आज ये बुलाना किसानों को, तो कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी निपटाना सॉल्व करना चाहती है। बिल्कुल, और ये इस वक्त प्राथमिकता होनी भी चाहिए, जिस बात का जिक्र अशोक कर रहे हैं कि सरकार इस मामले को